सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में सियासी संकट की और उस पर सुप्रीम सुनवाई की। उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। उद्धव गुट की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी दलील रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बम्बई केस का हवाला दिया गया और कहा गया कि बहुमत का फैसला सदन में ही संभव है, नोटिस वैध या अवैध ये हम तय करेंगे। सरकार जानती है कि उसके पास बहुमत नहीं, ऐसे में राज्यपाल को क्या करना चाहिए, सवाल पूछा गया। सिंघवी ने कहा, क्या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते? कल फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। विधायकों की अयोग्यता पर पहले फैसला हो, कानून और 10वीं अनुसूची का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोर्ट भी अगले हफ्ते अयोग्यता पर विचार करेगा, 12 तारीख को विचार करेगा और 11 तारीख शाम 5 बजे तक इस पर अभी फैसले को होल्ड किया गया है। लेकिन सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, क्या 12 तारीख तक के लिए फ्लोर टेस्ट को होल्ड किया जा सकता है या फ्लोर टेस्ट की अनुमति दे दी जाएगी। तीसरा एक और विकल्प हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट की अनुमति दी जाए और जिन 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है, जो केस चल रहा है, उनके वोटिंग राइट्स को 12 तारीख के आदेश तक सीज कर दिया जाए। महाराष्ट्र सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और उद्धव ठाकरे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। उद्धव ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पक्ष रख रहे हैं। राज्यपाल ने 24 घंटे का समय दिया, आज हमें फ्लो टेस्ट का पता चला। राज्यपाल के फैसले में जल्दबाजी नजर आई। एनसीपी के 2 विधायक कोरोना संक्रमित है, कांग्रेस के 2 विधायक विदेश में है। वोट कौन देगा और कौन नहीं, ये 11 जुलाई को तय होगा। सदस्यों के सत्यापन के बिना वोट कैसे दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का राज्यपाल सम्मान करे और स्पीकर के फैसले से संख्या बल बदलेगा। स्पीकर के फैसले से पहले फ्लोर टेस्ट ना हो, फ्लोर टेस्ट का कोई न्यूनतम समय तय नहीं है। फ्लोर टेस्ट 6 महीने में भी हो सकता है। सिंघवी के दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अयोग्यता मामले से फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित होगा, ये सवाल पूछा गया। सबके बीच में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला। असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राशि देने का फैसला लिया गया है। एकनाथ शिंदे और उनका ग्रुप 51 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगा। मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला लिया गया है। दरअसल एक सप्ताह से असम में शिंदे और उनके समर्थक विधायक रुके हुए हैं और वो भली भांति जानते हैं कि दर्जन भर से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ का कहर और जनजीवन अस्त व्यस्त है, जहां न सिर्फ अपने मकानों को बचाना एक चुनौती बल्कि जिंदगी को बचाना भी अपने आप में एक संघर्ष है। और ऐसे में अब चूंकि शिंदे गुट वहां से गोवा के लिए रवानगी ले रहा है, तो जाते जाते 51 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर मुख्यमंत्री सहायता कोष में इसलिए दिए जा रहे हैं कि इस पैसे से असम के उन लोगों को राहत मिले जो बाढ़ के जद में है और बाढ़ की वजह से प्रभावित। और बात करते हैं गुवाहाटी से हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब गुवाहाटी के रेडिसन व्यू होटल में मुंबई से बुलाए गए महाराष्ट्रीयन सैफ गुवाहाटी के रेडिसन व्यू होटल में रुके महाराष्ट्र के विधायकों को रास नहीं आ रहा था असम का खाना। शुरू के 2 दिन तक तो विधायकों ने इसी भोजन से काम चलाया। बाद में अधिकतर विधायकों ने एकनाथ शिंदे को मन की बात कही। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी रेडिसन व्यू होटल के मैनेजमेंट से इसे लेकर बातचीत की। इसके बाद गुवाहाटी रेडिसन ब्लू मैनेजमेंट ने महाराष्ट्र के मुंबई होटल से बुलाए 3 महाराष्ट्रीयन शेफ और इसके बाद महाराष्ट्र के विधायकों को मिलने लगा गुवाहाटी के होटल में घर जैसा खाना। और इसीलिए तो कहते हैं कि घर घर होता है। नए संसद भवन का निर्माण पूरा, अब साज सज्जा बाकी है। विशेषज्ञों की समिति कर रही है इंटीरियर डेकोरेशन का काम। संस्कृत सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में बनी है समिति। शहरी विकास और संस्कृति विभाग के अधिकारी विशेषज्ञ, सेंसर बोर्ड प्रमुख प्रसून जोशी, आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम,
अकादमिशियन टीवी कार्तिके और भारतीय अमेरिकी आर्किटेक्ट अर्बन प्लानर क्रिस्टोफर बेनिगर, प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, इसके अलावा ICHR के अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर समिति में शामिल है। और यह सभी मिलकर अब वो साज सज्जा करेंगे जिसके जरिए संसद एक बार फिर से अपनी उस पहचान के साथ नए दौर के साथ आएगा जिसकी सभी को तलाश भी थी और इंतजार थी। और बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। इसके दौरान सुरक्षा व्यवस्था की अंतिम समीक्षा ली गई है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा की समीक्षा की है। 30 जून से शुरू हो रही है 43 दिन की अमरनाथ यात्रा। कोविड के कारण 2019 में स्थगित हो गई थी अमरनाथ यात्रा। 2020 में धारा 370 हटने के कारण यात्रा को रोक दिया गया था। इस बार 6 से 8 लाख लोगों के अमरनाथ के दर्शन करने की उम्मीद है और आप दोनों में से किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। आप पहलगांव होकर भी जा सकते हैं और बालटाल होकर भी जा सकते हैं। बालटाल का रास्ता लगभग 14 किलोमीटर के आसपास का पड़ेगा और अमरनाथ अगर आप पहलगांव की तरफ से जाएंगे तो रास्ता लगभग 40 किलोमीटर के आसपास का पड़ेगा। लेकिन दोनों ही रास्तों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और उस दौरान वो भक्त भी वहां मौजूद होते हैं जो इस तीर्थ के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे होते हैं। फिर चाहे उनको खाना भोजन कराना हो या उनकी किसी और तरीके की सेवा करना, लेकिन मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा। 2 साल के बाद यात्रा शुरू हो रही है। अंतिम बैठक सुरक्षा को लेकर ली गई। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादकों पर प्रतिबंध लग जाएगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की अधिसूचना जारी की थी। उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़ी सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिए गए। सभी को 30 जून से पहले इनका स्टॉक खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर प्रतिबंध को लागू करने की तैयारियां पूर्ण हैं। गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक हो, स्टिक हो, प्लास्टिक के झंडे हो, कैंडी स्टिक हो, आइसक्रीम स्टिक हो, सजावट में काम आने वाले थर्मोकोल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रो, मिठाई के डिब्बों पर भी जो प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली PVC बैनर भी इसमें शामिल है। सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, दुकानदारों, ई कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, मॉल, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थानों में इनके वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगेगी। ट्विटर को IT नियमों का पालन करने का आखिरी मौका। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। ट्विटर के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को भेजे नोटिस में चेतावनी दी गई है। 4 जुलाई तक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर खत्म कर दिया जाएगा इंटरमीडिएरी का दर्जा। दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक। मध्यम भारी डीजल वाहनों के दिल्ली में आने से रोक लग गई है। 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक डीजल वाहनों पर रोक रहेगी। डीजल वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए। दरअसल इसका सीधा कनेक्शन पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। फोग होती है, पराली का धुआं होता है और डीजल से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है क्योंकि कंबशन पूरा नहीं होता, यानी कि ईंधन पूर्ण रूप से जलता नहीं है। 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक डीजल वाहनों पर दिल्ली में रोक रहे। उदयपुर मामले पर इमाम अहमद बुखारी का बयान आया और उन्होंने कहा कि इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है। घटना गैर आईनी, गैर इस्लामी, इस्लाम में दया करुणा है। अपराधियों ने इस्लाम के खिलाफ जाकर ये काम किया है। सभी मुसलमान इन अपराधियों के खिलाफ खड़े हैं और कोई भी इनके समर्थन में नहीं है, ये कहना है इमाम अहमद बुखारी का। आबकारी विभाग में तबादलों का इंतजार हो रहा है। नॉन परफॉर्मर्स को आउटफील्ड करने की चेतावनी दी गई। बंदोबस्त की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण है लेकिन सूची नहीं आई। इधर कार्य व्यवस्था के नाम पर लगाए अधिकारियों की भी अवधि कल पूर्ण हो जाएगी। इन 3 अधिकारियों को भी पदस्थापन का इंतजार है।
कुछ एपीओ चल रहे निरीक्षकों को लेकर भी फैसला नहीं हो पाया। आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा फिलहाल स्वास्थ्य महकमे में उलझे हुए हैं, ऐसे में आबकारी विभाग की तरफ नहीं वो ध्यान दे पा रहे, जबकि मंत्री और आयुक्त के पास दर्जनों अधिकारियों के तबादला आवेदन लंबित और उम्मीद की जा सके जल्द इस पर मंत्री जी ध्यान भी देंगे और फैसला भी लेंगे। हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षकों को मिलेगी अपनी मनचाही जगह, बस रुको थोड़ा और इंतजार करो, शिक्षा मंत्री ही लगाएंगे ट्रांसफर की नैया पार। शिक्षकों को अपनी पसंद की जगह के लिए करना होगा अभी थोड़ा और इंतजार, लगभग 10 से 12 दिन का और वक्त लग सकता है। बड़ी संख्या में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी गल्ला के घर पहुंचे, लोग और अर्जियां भी पहुंच रही हैं। अपने अपने क्षेत्र की एप्लीकेशन लेकर पहुंच रहे विधायक, अभी ट्रांसफर की सूची आने में लग सकता है थोड़ा और वक्त। ट्रांसफर्स को लेकर अभी शिक्षा मंत्री की व्यस्तता बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जिसको जहां तबादला चाहिए दिया जाए। वहीं हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा की एक और रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। 214 महात्मा गांधी स्कूलों में आज से शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया के लिए लोगों ने देखा गया जबरदस्त क्रेज। प्रवेश के लिए ऐसी भीड़ की लॉटरी प्रक्रिया का लेना पड़ा सहारा। स्कूलों के प्रति रुझान देख गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 300 नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल और खोलने का फैसला लिया गया है। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने भी इन स्कूलों को हरी झंडी दे दी और इसी सत्र में शुरू होंगे 300 नए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी कि जो कुल आंकड़ा है वो लगभग 514 का हो जाएगा, जो राजस्थान में अंग्रेजी मीडियम स्कूल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से दाखिले के लिए आवेदन पत्र आ रहे हैं लॉटरी निकालनी पड़ी है और इसी वजह से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि अगर रुझान इतना ज्यादा है तो 300 स्कूल और खोल दें। आगे बढ़ते हैं। एनडब्ल्यूआर में हाई स्पीड ट्रेन संचालन की दिशा में सकारात्मक प्रयास। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर पालनपुर रेलखंड पर ट्रायल हुआ। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन का सफल स्पीड ट्रायल हुआ है। पालनपुर से मदार के बीच हाई रीच ओएचई पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल हुआ है। 24 डिब्बे वाली ट्रेन की न्यूनतम गति रही 107.65 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ट्रेन की अधिकतम स्पीड रही 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन में मात्र 3 घंटे 23 मिनट में तय की 366 किलोमीटर की दूरी। 25 जून को रेलवे और आरडीएसओ की टीम ने मिलकर ट्रायल पूरा किया। बाल दिवस पर लवकुश वाटिकाओं में बच्चे मचाएंगे धमाचौकड़ी। प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होगा लवकुश वाटिका तैयार करने का काम। प्रत्येक जिले में वन क्षेत्र के नजदीक लवकुश वाटिका की विकसित की जाएगी। वन विभाग ने कई जिलों में जारी किए हैं वर्क ऑर्डर। बजट का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने की थी लवकुश वाटिकाओं की घोषणा। प्रत्येक लवकुश वाटिका पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बाल दिवस पर 14 नवंबर को किया जाएगा लवकुश वाटिकाओं का लोकार्पण। अनासागर अजमेर जोहड़ सिद्ध घाटी अलवर सवाई माता बांसवाड़ा शाहबाद बारा जूना पत्रसार बाड़मेर मांडेरा भरतपुर भड़क छतरी खेड़ा भीलवाड़ा जोड़बीड़ बीकानेर भीमताल बूंदी मोहर नगरी चित्तौड़गढ़ श्याम पांड्या चूरू गोल दोसा दमोह वाटरफॉल धौलपुर के अंदर रतनपुर बिछीवाड़ा डूंगरपुर के अंदर धनासर बरौनी हनुमानगढ़ के अंदर नईनाथ बांसो जयपुर के अंदर कनोई जैसलमेर सुधा माता जालोर बरबेला तालाब झालावाड़ मनसा माता झुंझुनू माचिया जोधपुर कैला देवी नेचर कैंप करौली आवल रोजड़ी कोटा गोलेगांव नागौर। वन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल के निर्देश पर निर्माण की सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का खेल खत्म करने की तैयारी। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा।
प्रदेश में 8 विभागों के अधिकारियों को किया ऐसी सामग्री जब्त करने के लिए अधिकृत। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जारी की थी अधिसूचना। स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी, परिवहन विभाग के जिला परिवहन अधिकारी, रिको के CMD, क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्व विभाग के उपखंड अधिकारी और तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी, गृह विभाग के सभी थाना अधिकारी, पंचायती राज विभाग के खंड विकास अधिकारी और वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत हितधारक से 1,000 रुपए और छोटे थोक निर्माताओं से 5,000 रुपए वसूल पाएगा। पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव शेखर अग्रवाल खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।